हर हर महादेव। आज हम जानेंगे शिव महापुराण के प्रथम खंड के तृतीय अध्याय के बारे में, चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। सौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। हे महात्मय, आपकी कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतज्ञ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंदमय हो गया। अतः अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधनी दूसरी कथा को भी कहिए। अमृत पीने वाले को लोक में कहीं मुक्ति नहीं प्राप्त होती, किंतु भगवान शंकर के कथामृत का पान तो प्रत्यक्ष ही मुक्ति देने वाला है। सदा शिव की जिस कथा के सुनने मात्र से मनुष्य शिवलोक को प्राप्त कर लेता है, वह कथा धन्य है। धन्य है वह कथा। कथा का श्रवण करने वाले आप भी धन्य है। सूत जी बोले, हे सौनक सुनिए, मैं आपके समान गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि आप शिव भक्तों में अग्रण्य तथा वेद वेदाओं में श्रेष्ठ हैं। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक बासकल नामक ग्राम है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सबके सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे ना देवताओं पर विश्वास करते हैं ना भय पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे पर स्त्री गमन करने वाले और खल हैं। ज्ञान वैराग्य तथा सधर्म को वे बिल्कुल भी नहीं जानते। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं और सदा दूषित बातों को सुनने में संलग्न रहते हैं। जहाँ के द्विज ऐसे हों, वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुरीति विचार रखने वाले स्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्म में लगे रहते हैं और नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहाँ की सब स्त्रियाँ भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पाप सक्त, कुरीति विचार वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वत्र शून्य हैं। कुजनों के निवास स्थान उस बासकल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधर्म था। वह दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी, तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। काम वासना से युक्त, अपवित्र व वैश्यागामी था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण कामुक होकर वैश्यागामी हो गया था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदुक के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से कलेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होने के कारण काम पीड़ित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारी हो गई। भ्रष्ट चरित्र वाली वह कुमार्ग गामिनी अपने पति की दृष्टि से बचकर रात्रि में चोरी छिपे अन्य पापी जार पुरुष के साथ रमण करने लगी। हे मुनि, एक बार उस ब्राह्मण ने अपनी उस दुराचारी पत्नी चंचुला को किसी पराये पुरुष के साथ बुरी अवस्था में देख लिया। उस पराये पुरुष के साथ चंचुला को देखकर बिंदुक क्रोध से चंचुला की ओर दौड़ा। उस दुष्ट बिंदुक को घर में आया जानकर वह कपटी व्यभिचारी तेजी से भाग गया। तब वह दुष्ट आत्मा बिंदुक अपनी पत्नी को पकड़कर उसे डांटता हुआ मुक्कों से बार बार पीटने लगा। वह व्यभिचारिणी दुष्ट नारी चंचुला पीटे जाने पर कुपित होकर निर्भया पूर्वक अपने दुष्ट पति बिंदुक से कहने लगी। चंचुला बोली, मुझ पति परायणा युक्ति पत्नी को छोड़कर आपको बुद्धिवश प्रतिदिन वैश्या के साथ इच्छा अनुसार रमण करते हैं। आप ही बताएं कि रूपवती तथा कामासक्त चित्त वाली मुझ युक्ति की पति संसर्ग के बिना क्या गति होती होगी। मैं अत्यंत सुंदर हूँ तथा नव यौवन से उन्मत्त हूँ। आपके संसर्ग के बिना व्यथित चित्त वाली मैं काम जन्य दुखों को कैसे सह सकती हूँ। सूत जी बोले, उस स्त्री के इस प्रकार कहने पर वह मूढ़ बुद्धि मूर्ख ब्राह्मण स्वधर्म विमुख दुष्ट पापी बिंदुक कहने लगा। बिंदुक बोला, काम से व्याकुल चित होकर तुमने यह सत्य ही कहा है। हे प्रिय, तुम भय त्याग दो और मैं जो तुमसे हित की बात कहता हूँ उसे सुनो।
तुम निर्भय होकर नित्य पर पुरुषों के साथ संसर्ग करो, उन्हें संतुष्ट करके उनसे धन सिंचित करो। वह सारा धन वैश्या के प्रति आसक्त मन वाले मुझको दे दिया करो। इससे तुम्हारा और मेरा दोनों का ही स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। सूत जी बोले, पति का यह वचन सुनकर उसकी पत्नी चंचुला प्रसन्न होकर उनकी कही बात मान ली। उन दोनों दुराचारी पति पत्नी ने इस प्रकार समझौता कर लिया। वे दोनों निर्भय चित से कुकर्म में लीन हो गए। इस तरह दुराचार्य में डूबे हुए उन मूढ़ चित वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। इसके पश्चात शूद्र जाति वैश्य का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नर्क में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नर्क के दुख भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्या पर्वत पर भयंकर पिशाच बन गया। इधर उस दुराचारी पति बिंदुक के मर जाने पर वह मूढ़ हृदय चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक कामाशक्त होकर जारों के साथ विहार करने लगी उस चंचुला नामक स्त्री का धीरे धीरे यौवन समय के साथ ढलने लगा। एक दिन देव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतया बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी, अर्थात मेला देखने लगी। इसके पश्चात किसी देव मंदिर में उसने एक देवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे, जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती हैं, तब यमलोक के दूत उनके गुप्त अंग में तपे हुए लोहे का परिघ्य डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और लोग वहां से बाहर चले गए, तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बांचने वाले उस ब्राह्मण से कहने लगी। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार्य हुआ है। हे ब्राह्मण देवता, इसे सुनकर मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। हे प्रभु, मैंने मूढ़ बुद्धि के कारण घोर पाप किया है। मैंने कामांध्य होकर अपनी संपूर्ण युवावस्था व्यभिचार में बिताई है। आज वैराग रस में ओतप्रोत आपके इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित वाली पापिन को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ। मैं कुछ विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। थोड़े से सुख के लिए अपने हित का नाश करने वाले तथा भयंकर कष्ट देने वाले घोर पाप मैंने अनजाने में ही कर डाले हैं। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी, जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नर्क में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं कैसे सहूंगी। दुख और शोक से ग्रस्त होकर मैं दिन में सहज इंद्रिय व्यापार और रात्रि में नींद कैसे प्राप्त कर सकूंगी। हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में ही डूबी रहती हूँ। हाय विधाता, मुझ पापिन को आपने ऐसी गंदी दुर्बुद्धि क्यों दे दी, जो सभी प्रकार का सुख देने वाले स्वधर्म से दूर कर देती है। हे दूज, शूल से बिंधा हुआ व्यक्ति ऊंचे पर्वत शिखर से गिरने पर जैसा घोर कष्ट पाता है, उससे भी करोड़ों गुना कष्ट मुझे है। सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञ करके अथवा सैकड़ों वर्षों तक गंगा स्नान करने पर भी मेरे घोर पापों की शुद्धि संभव नहीं दिखती है। मैं क्या करूं, कहां जाऊं और किसका आश्रय लूं?
मुझ नरक गामिनी की इस संसार में कौन रक्षा करेगा? हे ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता और आप ही मेरे पिता हैं। आपके शरण में आई हूँ, मुझ दीन अबला का उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। सूत जी बोले, हे शौनक, इस प्रकार खेद और वैराग से युक्त हुई चंचुला उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी। तब उस बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाकर इस प्रकार कहा। इस प्रकार स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव महापुराण में चंचुला वैराग वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।